हेलो एवरीवन एंड माय सेल्फ भजन कौर फ्रॉम भाईजिन बायोलॉजी क्लासेस. आपके चार सेक्शंस हमने डिस्कस कर दिए हैं बोर्ड्स को लेकर, बिकॉज ये हमारा सैम्पल पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड्स के रिलेटेड, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या पॉइंट्स आपने रखने हैं. तो उसी सेक्शन में हम आज सेक्शन ई के बारे में बात करेंगे. अगले फोर सेक्शन जो थे वो हमारी प्ले लिस्ट में हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं. और उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती या यू वांट एनी क्लैरिटी तो यू कैन कमेंट अस इन आर बॉक्स. सो नेक्स्ट टू सेक्शन ई, मेंशन द रोल ऑफ द गोनेडोट्रोपिन्स इन मेंसल साइकिल एंड व्हाट डे ऑफ द मेंसल साइकिल डू द गोनेडोट्रोपिन रीच द पीक. सबसे उसने पूछा है रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स. तो गोनेडोट्रोपिन्स का मतलब हो गया, हम बात कर रहे हैं FSH और LH की. सो FSH एंड LH, इनका रोल क्या है? FSH क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स दैट इज फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल टू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. एक तो ये काम हो गया. इसके अलावा जो फीमेल के अंदर जो ओजेनेसिस का प्रोसेस रिज्यूम होता है, क्योंकि जो ओजेनेसिस फीमेल में है वो बर्थ पे ही शुरू हो जाता है, और बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है तो और जब फीमेल बॉर्न होती है तो उस टाइम पे उसकी जो ओवरी है उसमें फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि विद प्राइमरी ओसाइट, और वो ओसाइट डिप्लोटीन स्टेज पे सस्पेंड होता है. नाओ ये जो आपका ओजेनेसिस है ये रिज्यूम होता है एट प्यूबर्टी एंड दैट टू अंडर द इफेक्ट ऑफ द FSH. सो आप लिख सकते हो FSH का पहला काम है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, और उसका दूसरा फंक्शन क्या है, इट रिज्यूम द ओजेनेसिस हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्राइमरी ओसाइट टू सेकेंडरी ओसाइट बाय कंप्लीशन ऑफ मियोसिस वन. तो ये काम आपके FSH के हो गए. नाउ अब आती है LH की बारी. LH स्टार्ट राइजिंग एट द एंड ऑफ और टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रोलिफिक टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रोलिफ्रेटिव फेस. ये ऑप्शनल है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं. आप सिंपली लिख सकते हो, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, LH लेवल्स राइज एंड हेल्प्स इन ओवुलेशन दैट इज बर्स्टिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज सेकेंडरी ओसाइट. एंड इसके बाद क्या काम करता है, जब ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट हो गया तो जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल है इट चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. आपको काफ़ी स्पेसिफिक होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके आए. सो हर स्टेप के आपके पास मार्क्स हैं, तो ये हो गया. फिर वो कहते हैं ऑन व्हाट डे मेंसल साइकिल डू द गोनेडोट्रोपिन रीच इट्स पीक. इट इज मिड ऑफ द साइकिल, आप लिख सकते हो नियर एट मिड ऑफ साइकिल ऑन 13 और 14th डे टेकिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 to 29 डेज. अगर 28 डेज लेते हैं तो 14th डे पे ऑलमोस्ट आपका मिड ऑफ द साइकिल पे हो जाएगा. तो मैंने मिड ऑफ साइकिल इसलिए भी बोल दिया क्योंकि अगर मान लो 27 डेज है तो 13.5 हो गया, या 26 है तो 13th हो गया. बिकॉज आपके पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि सुबह 13 को होगा या 14 को सुबह होगा. इट इज 13 to 14 डे, यानी कि मिड ऑफ द साइकिल में ये लेवल्स जो हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे. एंड LH लेवल्स आर मोर देन द लेवल्स ऑफ FSH, 6 to 10 टाइम्स मोर देन FSH लेवल्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास चॉइस में आ गया. एंजियोस्पर्म फ्लावर्स में बी मोनोशियस क्लिस्टोगैमस और शो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी.
डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच ऑफ देम. अब सबसे पहले इसने बोला है कि आपके पास जो फ्लावर्स हैं वो मोनोशियस हैं. सो मोनोशियस फ्लावर्स क्या होते हैं, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब क्या हुआ, हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट. ओके, और फिर वो कहता है क्लिस्टोगैमस. नाउ क्लिस्टोगैमस दे आर क्लोज्ड फ्लावर्स, यानी वो फ्लावर्स जो ओपन नहीं होते. एंड थर्ड उसने कहा और शो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ऐसे भी फ्लावर्स है जिनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होती. तो मेरे पास एक थर्ड कैटेगरी है, कैस्मोगैमस फ्लावर. कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या हुए, यानी कि जो ओपन फ्लावर्स हैं. अब उसने कहा सबके करेक्टरिस्टिक्स लिखिए और ये बताइए कि कौन इनब्रीडिंग प्रमोट करता है और कौन आउटब्रीडिंग प्रमोट करता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स और क्लोज फ्लावर्स, दे प्रमोट. आपने इसको सेकेंड स्टेप में लिखना है, इसके साथ नहीं लिखना. आपने पहले इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, फिर आपने लिखना है नेक्स्ट में कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रमोट्स इट प्रमोट सेल्फ फर्टिलाइजेशन और ऑटोगैमी एंड दे हैव अशोर्ड सीड सेट मैकेनिज्म. तो इनका अशोर्ड सीड सेट मैकेनिज्म है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होनी है और सीड बनना ही बनना है. क्यों बनना है, क्योंकि फ्लावर ही क्लोज्ड है. बट कंडीशन में जनरली इनकी क्या हो जाती है, आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाती है. तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो पी प्लांट और पी फ्लावर दे सकते हो. देन यू हैव द कैस्मोगैमस फ्लावर्स और ओपन फ्लावर्स. सिंस फ्लावर्स आर ओपन, ना ओपन फ्लावर्स हैं तो ये जो हैं दे जनरली प्रमोट, जनरली प्रमोट क्रॉस फर्टिलाइजेशन. क्रॉस फर्टिलाइजेशन. सो नाउ टू प्रमोट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कि भी फर्टिलाइजेशन क्रॉस ही हो, देयर आर सर्टन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और मैकेनिज्म्स भी कह सकते हैं. पहला है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि जो पोलन्स हैं और स्टिग्मा में आपस में कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, तो नेचुरली एक जगह होते हुए भी वो एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज नहीं करेंगे, यानी पॉलिनेशन नहीं होगी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. दूसरा आप दे सकते हो डिफरेंट लेंथ्स ऑफ द फिलामेंट्स, यानी आप हेट्रोस्टिली. हेट्रोस्टिली क्या हुआ कि दोनों का लेंथ ही जो है वो अलग अलग है, ठीक है. तीसरा आप दे सकते हो यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, कि भी फ्लावर्स ही आपके यूनिसेक्सुअल है, या मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर. अच्छा, इसमें भी आगे दो चीजें हैं आपका, दिस इज मच पॉसिबिलिटी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, बट प्लांट आपका बाइसेक्सुअल है. क्या मतलब हुआ इस बात का, कि भी प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी है और आपके पास फीमेल फ्लावर भी है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, एक जगह पर नहीं है, बट एक ही प्लांट के अंदर है. और यू कैन हैव द यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट, यानी कि या प्लांट मेल है, आइदर प्लांट, आइदर प्लांट विद मेल फ्लावर्स और प्लांट विद द फीमेल फ्लावर्स. प्लांट विद मेल फ्लावर्स एंड प्लांट विद फीमेल फ्लावर्स. तो हम इस तरह से दे सकते हैं. अब इस केस में तो आपके पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन और ज़ीनोगैमी जिसको बोलते हैं वो होनी ही होनी है. तो यहाँ पे आपकी ज़ीनोगैमी तो इसेंशियल है. इवन हेयर ऑल्सो इट इज वेरी प्रेवलेंट, यहाँ भी इसेंशियलिटी हो जाती है. सो दिस इज, यू कैन फ्रेम द क्वेश्चन लाइक, फ्रेम द आंसर्स लाइक दिस. तो अब आपके पास अगला क्वेश्चन क्या आ गया, तो ये हमारे पास आपके दोनों क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए, एंजियोस्पर्म वाला भी और आपके गोनेडोट्रोपिन वाला भी.
अब यहाँ से मैं रब कर रही हूँ, अगर किसी को कुछ देखना है तो आप जो अपना वीडियो है वो पॉज करके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा उसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं, स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं, एंड यू कैन गेट द आंसर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आता है 32 क्वेश्चन. व्हाट इज द जेनेटिक कोड एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग. जेनेटिक कोड अगेन आपका जेनेटिक्स में से क्वेश्चन आ गया. तो अगर हम ये देखें तो जेनेटिक्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वेटेज कैरी करता है. इवन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी कर रहा है, उधर से आपकी इकोलॉजी भी काफ़ी वेटेज कैरी करती है. ओके चलिए, तो यहाँ पे जेनेटिक कोड क्या है. जेनेटिक कोड ये एक इंफॉर्मेशन है जो जीन्स के अंदर है और वो बताएगी कौन सा प्रोटीन है, कौन सा अमाइनो एसिड है. सो इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड कोडोन हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर अ गिवन अमाइनो एसिड्स और टू स्टॉप द ट्रांसलेशन. यानी कि या तो स्टॉप के लिए इंफॉर्मेशन है या आपके पास बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है. नाउ व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ कोडोन. उससे पहले मैं आपको अनएम्बिगुअस कोडोन बताती हूँ. अनएम्बिगुइटी का मतलब क्या होता है कि वन कोडोन फॉर वन अमाइनो एसिड. कि एक कोडोन जैसे हमने यहां पे ले लिया जीयूजी या एयूजी ले लेती हूं, चलो एयूजी फॉर मिथियोनिन, कि ये पर्टिकुलर कोड जो है वो मिथियोनिन के लिए है. नाउ व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ द कोडोन. पहले मैंने बोला वन कोडोन फॉर वन अमाइनो एसिड, अब मैं कह रही हूं वन अमाइनो एसिड कैन हैव मोर देन वन सेट वन कोडोन्स और वन कोडोन्स और कॉम्बिनेशंस. इसमें आई हैव एग्जांपल जैसे कि फिनाइल एलानिन है. अब अगर हम फिनाइल एलानिन को देखते हैं तो जो यू 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 ये भी फिनाइल एलानिन का कोड है और यू यू सी ये भी फिनाइल एलानिन का कोड है. तो आप देखिए दो कोडोन्स आपको एक ही अमाइनो एसिड का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो इसका मतलब ये है डीजेनरेसी. एक कोड एक अमाइनो एसिड के लिए यानी जैसे है तो वो आपका अनएम्बिगुइटी. कई बार ये बड़ी मतलब मुझे ये एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती थी तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन सोचा. जैसे सपोज करो हम कहते हैं ये एक राजा है यानी कि दिस अ किंग एंड इस किंग के जो हैं चार बच्चे हैं. अब इसके ये चार बच्चे हैं. अब देखा जाए एक किंग के चार बच्चे हैं यानी एक फादर आपके पास उसके चार चिल्ड्रन. लेकिन एक चिल्ड्रन का तो एक ही फादर है, एक चाइल्ड का एक ही फादर है ना. सो एक चाइल्ड का एक फादर अनएम्बिगुइटी. वन कैन हैव फोर कॉम्बिनेशंस और डिफाइंड बाय फोर कॉम्बिनेशंस. दिस इज डीजेनरेसी. सो आई ट्राइड टू लर्न बाय दिस मेथड. चलिए सो इनिशिएटर कोडोन. इनिशिएटर कोडोन हमारे पास क्या है. इनिशिएटर कोडोन इज योर ए यू जी और आप ले लिख सकते हो दिस कोड्स फॉर मिथियोनिन. तो ड्यूअल फंक्शन है इसका. ड्यूअल फंक्शन क्या हो गया ऑफ योर इनिशिएटर कोड दैट इज ए यू जी एंड इट ऑल्सो कोड्स फॉर अमाइनो एसिड मिथियोनिन. तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया. अगला क्वेश्चन देखिए. नेम एंड डिस्क्राइब द टेक्निक दैट विल हेल्प इन सॉल्विंग अ केस ऑफ पेटर्निटी डिस्प्यूट ओवर द कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन बाय टू डिफरेंट फैमिलीज. तो अब इसका मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की. सो दिस टेक्निक द टेक्निक इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और वी कॉल इट एज डीएनए profiling. This technique can be used to solve paternity
केसेस, तो आप इसको पेटर्निटी केसेस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है सॉल्व इसको? अब इसमें हमने क्या किया, अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर पता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं पहले तो उसकी बात कर लेते हैं, वो समझा रही हूँ सिर्फ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने क्या करना है, डीएनए लेना है, डीएनए के बाद उसकी फ्रेगमेंटेशन करनी है, और फ्रेगमेंटेशन मतलब किससे करनी है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से करनी है। उसके बाद उसको जेल पे रन करना है, जेल पे उसकी जो सेपरेशन हो जाएगी डीएनए की ऑफ डीएनए बैंड्स, जो भी आपके कट करके पीसीज आए हैं। अब आप उसको सदर्न ब्लॉटिंग करनी है, सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब क्या हो गया, उसको ट्रांसफर द डीएनए ऑन नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज पेपर। ये क्यों करना है, बिकॉज डीएनए को आपने स्टेबलाइज करना, तो नहीं तो डीएनए फिसलेगा, तो इसके ऊपर वो फिसलता नहीं है, स्टेप उसके ऊपर वो स्टेबल हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने रेडियो आइसोटोप से या फिर आप उसको फ्लोसेंट डाई से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। सो डिटेक्शन करनी है आपने, अब डिटेक्शन या तो आप उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ करोगे, या फिर आप उसको फ्लोरोसेंट डाइट इथिडियम ब्रोमाइड से भी कर सकते हो। देयर इज अनदर टेक्निक, और इलाइजा जैसी एक टेक्निक होती है, उससे भी हम कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, बट हम यहाँ पे सिंपली करेंगे डिटेक्शन ऑफ डीएनए बैंड्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, यानी कि हमने इसको रेडियो एक्टिव कर दिया है। ये हमारा टेक्निक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, वो पूछ रहा है कि बच्चे के डीएनए को हमने मैच करना है और उसकी कस्टडी बतानी है कि दो फैमिलीज। हम इसमें क्या करेंगे, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या आप ऐसे लिखिए, सो वेरियस द डिफरेंट स्टेप्स इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर दिस, आपने ये लिख लिया। फिर आपने लिखना है इसको, यूजिंग द इंफॉर्मेशन या यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन या यूजिंग सीधा लिखिए, यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक प्रिपेयर द डीएनए प्रोफाइल ऑफ द चाइल्ड। तो से ए आपने यहाँ पे उसका प्रोफाइल बना लिया, आपने अगर ऊपर ये लाइन लिखनी है कि हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक यूज़ किया, तो आपको ने यहाँ पे साइड पे देना पड़ेगा, द बेसिक स्टेप्स इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज दिस दैट वाज गिवन बाय एलेक जेफ्री। अब जो चाइल्ड है उसकी आपके पास सपोज करो ये बेंडिंग आ रही है, मान लो ये बैंड आ गया उसका, ठीक है, ये बेंडिंग आ गई। अब यहां पे आपने क्या किया, दिस इज योर फैमिली, ये आपका फैमिली आपकी आ गई, दिस इज फैमिली वन, और ये आपकी फैमिली टू। आपने इसके बैंड भी प्रिपेयर कर लिए, तो जब आपने इसके बैंड्स प्रिपेयर किया, फैमिली में फादर होगा तो मदर होगी नेचुरली आपके पास, ये फादर हो गया और ये आपकी मदर होगी, फादर मदर। तो मान लो आपके पास ये बैंड फादर का आ रहा था, और इधर बैंड्स आपके पास आए, आपके पास कुछ ऐसा बैंड आ गया, तो मेरे ख्याल में आप ये देखिए, अगर हम दोनों का प्रोफाइलिंग मैच करें तो जो चाइल्ड का जो प्रोफाइलिंग है वो इस फैमिली से मैच कर रहा है। सो बाय लुकिंग एट द डीएनए प्रोफाइल्स वी कैन से द चाइल्ड जो है इज हैव इसका बिलोंग्स टू द फैमिली सेकंड फैमिली बिकॉज द प्रोफाइलिंग पैटर्न जो है दैट इज मैचिंग विद द चाइल्ड। आप ये देखिए, इसके ये वाला बैंड इसने यहाँ से ले लिया, ये बैंड इसने यहाँ से ले लिया, दिस बैंड इज टेकन फ्रॉम हेयर, दिस बैंड इज टेकन फ्रॉम हेयर, और ये जैसे ये दो बैंड्स हैं मैंने ऐसे बना दिया तो ये यहाँ पे आ गए, और ये वाले दो बैंड इसने यहाँ से ले लिए, तो मैचिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ यू सिंपली राइट, बाय मैचिंग द प्रोफाइल्स फ्रॉम द टू फैमिलीज, द फैमिली टू हैज द मैचिंग, द चाइल्ड हैज अ मैचिंग प्रोफाइल विद द फैमिली टू, सो कस्टडी शुड बी गिवन टू दिस। तो आपने पहले लिख ली है, फिर यूजिंग दिस करके कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है,
a recombinant vector with gene of interest inserted within the gene of beta galactosidase enzyme is introduced into bacterium. Explain the method that would help in selection of recombinant colonies from non-recombinant one. यानी अब ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है जिसमें हम बात करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द होस्ट. नाउ स्क्रीनिंग ऑफ द होस्ट में हमने क्या करना है, सी अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर विद जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड विद द सीक्वेंस ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम. यानी हम यहां पे बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर्स की. नाउ सबसे पहले पता होना चाहिए ऑल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर्स कौन से हैं, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मेरा मोटिव आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी देना भी है. इसीलिए जब क्वेश्चन में क्या लिखना है वो हम स्पेसिफिकली बोलेंगे, लेकिन साथ के साथ आपको कम से कम कुछ थोड़ा सा और जो है वो आइडिया लग जाएगा. सो दैट इज़ माय सोल मोटिव कि आप सॉल्व करने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि क्या है. एक होते हैं हमारे पास PBR322. ये हमारा जो मार्कर है PBR322, ये हमारा पुराना जो है वो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड बॉलीवर एंड रॉड्रिज, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड्स में यूज़ करते आए हैं. और क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स हैं, आपको साइमल्टेनियसली दो प्लेट्स लगानी पड़ती हैं, फिर आप एक से चेक करोगे किस में रेजिस्टेंस आ रहा है किस में नहीं आ रहा. तो इस तरीके से जो यहाँ पे प्रोसीजर काफ़ी कंबरसम है. तो जैसे आप ये देखिए टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, पहले मोबाइल फ़ोन इतने बड़े बड़े होते थे, फिर छोटे आ गए, अब नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, तो यहाँ पे साइंस में भी अपग्रेडेशन हुई. तो हमने अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ करने शुरू किए. अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर में जैसे कि एग्जांपल लैक जेड मार्कर्स हैं. ये क्या होते हैं, ये जैसा प्लाज्मिड है उसी को मॉडिफाई किया हुआ है. मान लो ये आपका है इस तरह से प्लाज्मिड, इसमें यहाँ पे एक जीन है जिस जीन को हम कहते हैं लैक जेड जीन. यानी दिस जीन एनकोड्स विद फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज. हमने क्या किया, ऑफ कोर्स इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होगा, वो नहीं हम ऐसे नहीं कह सकते नहीं है, बट हमने उसको नहीं यूज करना. तो यहां पे हमने क्या किया, हमने कट लगाया इसके अंदर, एक छोटा सा कट लगा दिया, निक कर दिया इसको, और मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था वो मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया. ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंटीग्रेट हो गया यहाँ पे. अब क्या हुआ कि जो ये एंजाइम था, आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर, तो लेट्स से मैंने ये वाला कलर यूज किया ताकि आप विजिबली देख सको, ये लगा दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब मैंने लैक जेड जीन को कट करके उसी में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, तो नेचुरली इसका मतलब लैक जेड काम करना बंद कर जाएगा. जीन ही काट दिया, जीन ऐसा था आपका, अब जीन काट के बीच में कुछ एडिशन कर दी तो ये जीन की इंटीग्रिटी खत्म हो गई. तो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. सबसे पहले तो व्हाई दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन रेफर्ड इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यहीं से एक आंसर आ गया. इंसर्शन ऑफ दिस मैथड इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बिकॉज इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द कोडिंग सीक्वेंस. अब कोडिंग सीक्वेंस कौन है, लैक जेड जीन ऑफ इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल इनएक्टिवेट द सीक्वेंस बिकॉज इंटीग्रिटी ऑफ सीक्वेंस of sequence, integrity of sequence, disintegrated due to insertion of gene of interest. So it cannot code for enzyme beta galacto साइडेस. तो ये अब उसके लिए आपका कोड नहीं कर पाएगा. तो आपका एक आंसर तो मैंने यहाँ दे दिया. नाउ नेक्स्ट,
वो कहता है एक्सप्लेन द मेथड बाय दैट वुड हेल्प इन सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन. तो अब हम उस पर पढ़ें. अब क्या हुआ, जब हम इस वेक्टर को, जो हमारा ये वाला वेक्टर जिसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया हुआ है, जब मैं इसको इकोलाई के अंदर इंसर्ट करूंगी, ओके, ये मेरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो गया और ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर के अंदर भी है ये क्वेश्चन कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्यों डालते हैं. क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ, इकोलाई के अंदर अपने पास प्लाज्मिड नहीं है. अब इकोलाई जो है वो आराम से मल्टीप्लाई कर रही है, अगर मैंने प्लाज्मिड डाला तो वो तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया. यानी वो जो खाना आराम से अपने लिए खा रही थी, मल्टीप्लाई कर रही थी, अब वो उसके साथ शेयर करने वाला प्लाज्मिड आ गया, वो क्यों रखेगी? आपके घर में कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाए, अनवांटेड नौकर आ जाए और कहता है मैंने यहीं रहना है, तो क्यों रखोगे आप उसको? क्योंकि वो आपका खर्चा भी तो पड़ रहा है. बट अगर वो आपके सारे काम कर रहा है और आप अगर जॉब पे हैं और पीछे आपने जाना है घर के बाहर और आपको आते घर का सारा काम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो आप कहते हो चल यार कोई बात नहीं, अगर ये मेरे से कुछ ले भी रहा है, खा भी रहा है, मेरे साथ शेयर भी कर रहा है, मैं रख लेता हूँ क्योंकि मेरा काम कर रहा है. एंड अब आप क्या कर रहे हो, आप एक आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आप चाहते हो इकोलाई रखे, इकोलाई क्यों रखेगी भी? अब आपने क्या किया, बड़ा स्मार्ट काम किया आपने. स्मार्ट काम क्या किया कि इस वेक्टर के अंदर आपने डाल दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और जब आप कल्चर लगाते हैं तो कल्चर के अंदर आप डाल देते हैं एंटीबायोटिक. सपोज करो मैंने यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का जीन डाल दिया और मैंने एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन आपके कल्चर में डाल दी. अब क्या हुआ, अगर इकोलाई मल्टीप्लाई करेगी और अगर वो प्लाज्मिड को बाहर निकालेगी तो खुद ही मर जाएगी. समझ आई? यानी ह्यूमंस ने दिमाग क्या लगाया कि भैया मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन प्लाज्मिड में डालता हूँ, वो प्लाज्मिड को बाहर निकाल नहीं सकेगी क्योंकि प्लाज्मिड को रखना उसकी मजबूरी है. क्या मजबूरी होगी कि अगर वो प्लाज्मिड को रखेगी तो खुद भी सर्वाइव करेगी क्योंकि मीडियम के अंदर आपने एंटीबायोटिक डाली हुई है. तो ये एक कॉन्सेप्ट और आपका यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि एंटीबायोटिक क्यों डालते हैं मीडियम के अंदर और क्यों प्लाज्मिड को इकोलाई बाहर फेंक नहीं पाती जबकि उसके पास था ही नहीं, उसका एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक बर्डन है ये तो. ओके, तो नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन, वो कहता है कि भी आपके पास एक्सप्लेन द मेथड दैट वुड हेल्प. सो हमने क्या किया, इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एट द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, डन. आप क्या किया नंबर टू में, फॉर्मेशन ऑफ वैक्टर्स, रिकॉम्बिनेंट वैक्टर्स, वैक्टर्स आप यहां पे लिखेंगे. जब आपने इंसर्शन की तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो आपके लैक जेड मार्कर्स हैं वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे, कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे. सो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैक्टर्स एज वेल एज सम नॉन रिकॉम्बिनेंट वैक्टर्स, कुछ आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट वैक्टर्स भी बने. तो आपके पास दोनों तरह के वैक्टर्स बन गए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए और वैक्टर्स एंड सम नॉन रिकॉम्बिनेंट वैक्टर्स. अब आपने क्या किया, इंसर्शन ऑफ वैक्टर्स इंटू होस्ट, होस्ट. अब कल्चरिंग ऑफ होस्ट एंड कल्चरिंग ऑफ होस्ट करने के बाद आपने क्या किया, होस्ट को कल्चर करोगे तो नेचुरली अगर आपकी इकोलाई जो है अगर वो मल्टीप्लाई कर रही है तो उसके साथ जीन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो पता ही है हमें. तो कल्चरिंग ऑफ होस्ट से जैसे एग्जाम्पल इकोलाई, और बेटर राइट डाउन ट्रांसफॉर्म्ड मतलब इकोलाई, आप इकोलाई लिखे चलो. ओके, सो इकोलाई. अब क्या हुआ, नाउ एडिशन ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट.
अब आपको पता है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो किसके ऊपर काम करता है, वो लैक्टोज के ऊपर काम करता है। अब आपने क्या किया, लैक्टोज डाली, लेकिन लैक्टोज जो थी वो क्रोमोजेनिक, मतलब ऐसा उसको थोड़ा मॉडिफाई किया कि सबस्ट्रेट जो है वो कलर प्रोड्यूस करेगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब सपोज करो दिस वॉज अ कल्चर। अब आप ये देखिए, समझने की जरूरत है कि जब मैंने इस रिकॉम वैक्टर्स, मेरे पास दो तरह के फैक्टर थे, एक वो फैक्टर मेरे पास जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा वो वैक्टर जो बिना उसके हैं, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैंने तो सोल्यूशन में अपनी तरफ से जीन डाला, लाइगेज डाला और कर दिया काम। अब किसने नहीं लिया, किसने नहीं लिया, किसने लिया या किसने नहीं लिया मुझे नहीं पता। मैंने सोल्यूशन से ड्रॉपर उठाया और उसको मैंने होस्ट के अंदर डाला, इवन अब होस्ट का भी नहीं मुझे पता किसने लिया कि नहीं लिया। मैंने यहाँ पे ये होस्ट बना लिए, कल्चरिंग कर दी, मैंने एक एक होस्ट लिया सपोज करो ऐसे, एंड माइंड यू मैंने इसमें एंटीबायोटिक डाली हुई है। तो आप ये देखिए, जब मैंने कल्चरिंग इंसर्शन होस्ट किया है तो मेरे पास तीन तरह के होस्ट होंगे। एक वो होस्ट जिसने मेरा वैक्टर लिया ही नहीं, एक वो होस्ट जिसने मेरा वो वाला वैक्टर ले लिया जो कि रिकॉम्बिनेंट नहीं था, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और एक वो होस्ट जिसने मेरा वेक्टर लिया विद माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये वो होस्ट है जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, मतलब चेंज हो गया, ठीक है, और ये मेरा रिकॉम्बिनेंट भी। अब मुझे तो ये ढूंढना है ना, जब मैंने एंटीबायोटिक डाली हुई है सोल्यूशन में तो मेरी ये वाली तो सीधी मर जाएगी, मतलब ये तो सर्वाइव ही नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही नहीं है। अब जो तो कॉलोनीज बिल्कुल ब्लू दिख रही हैं, मैंने जब डाला लैक्टोज डाली थी तो लैक्टोज के साथ कुछ कॉलोनीज आपको ब्लू दिखेंगी। ब्लू का मतलब क्या हुआ, ब्लू का मतलब हुआ कि भैया इसमें लैक जेड जीन, यानी कि जीन था, इसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाया और इस एंजाइम के ने जब लैक्टोज के ऊपर काम किया तो उसने लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन किया तो लैक्टोज कलर्ड थी, कलर क्रोमोजेनिक था तो ब्लू कलर आ गया। तो जो कॉलोनीज ब्लू कलर हैं इसका मतलब वो आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं कॉलोनीज, और जो कॉलोनीज आपकी वाइट नजर आ रही हैं इसका मतलब उसमें आपका रिकॉम्बिनेंट वाली है, यानी आपने ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट की, वो होस्ट जो चेंज हो गया है कौन सा, क्योंकि इकोलाई के पास तो वेक्टर नहीं होता, अपना प्लाज्मिड नहीं होता, तो इसका मतलब जो इकोलाई प्लाज्मिड लेगी वो ट्रांसफॉर्म्ड होगी। याद रखना होस्ट हमेशा ट्रांसफॉर्म्ड होता है, डीएनए कुड भी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट में से ये ढूंढना कौन मेरा रिकॉम्बिनेंट और कौन रिकॉम्बिनेंट नहीं है, उसको हम किससे ढूंढ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से। सो दिस इज द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन की दिख क्या रहा है, जस्ट बाय लुकिंग द कलर ऑफ कॉलोनीज। सो ब्लू कलर्ड कॉलोनीज जो थी ये आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, और जो सॉरी हाँ वाइट कलर्ड कॉलोनीज आपकी रिकॉम्बिनेंट है। सो बाय जस्ट लुकिंग एट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, एट फिनोटाइप, कलर क्या दिख रहा है, फिनोटाइप, वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स। मैं थोड़ा शॉर्ट में वर्ड यूज कर रही हूँ बट आप अपना पूरा लिखेंगे। सो ये है जी आपका पूरा मेथड। सिंस इट्स अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये ई सेक्शन है सबसे लंबा और सबसे, तो इसमें प्लीज कीप इन टू द माइंड कि क्या स्टेप मेरे को लिखना है। सो नाउ वी हैव डन विद द इंसर्शन एंड एक्टिवेशन और ये सारा। लास्ट क्वेश्चन, राहुल वॉज हैविंग डिबेट विद रोहन रिगार्डिंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अगेन बाय टेक्नोलॉजी आ गई, अब एप्लीकेशन से आ गया क्वेश्चन, पिछला वाला प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से था। राहुल व्यूड दैट प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल वॉयलेट्स द इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज एंड एनिमल्स सफर फ्रॉम द क्रुएलिटी, राहुल कहता है, सो इट इज अनएथिकल। ऑन द अदर हैंड रोहन एम्फेसाइज द बेनिफिट ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोवाइड टू द ह्यूमन वेरियस फील्ड स्पेशली मेडिसन, कहता हाउ डू एनिमल्स बेनिफिट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेनिफिट ह्यूमन। सबसे पहले तो ट्रांसजेनिक क्या होता है,
ट्रांसजेनिक का मतलब एक ऐसी चीज जो अपने में से किसी दूसरे का जीन जब कोई एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स. अगर एनिमल है तो एनिमल, प्लांट है तो प्लांट. ओके, सो हाउ डू ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेनिफिट द ह्यूमन ह्यूमंस? तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर याद करो ट्रांसजेनिक एनिमल्स, आप आइडियली पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स के डेफिनेशन लिखिए क्या होते हैं. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच कंटेन्ड जीन फ्रॉम द अदर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स. ठीक है जी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प इन द फॉलोइंग वेज. नंबर वन, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. ये आपका पहला आपने बनाया, इसको अंडरलाइन किया. अंडरलाइन करने के बाद आपने इसमें एक या दो लाइंस के अंदर लिख देना है, द ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी यूज टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द To study the functioning of IGF, insulin-like growth factors. So, IGF, a gene, other gene can be introduced which can alter the functioning of IGF. So, the in the animal, we can study the effect of the IGF. अब मैं इसको समझा देती हूँ कैसे. हमने क्या किया, सपोज करो मुझे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के देखने थे भी इस ये क्या कंट्रोल करता है. तो मैंने क्या किया, उसके जायगोट के अंदर ही एक ऐसा जीन डाला जो कि उसके डीएनए में आईजीएफ को अल्टर कर देगा. और लेट दिस जायगोट मल्टीप्लाई इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. और जब हम उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेकर पीसीआर करेंगे और सीरम एनालिसिस करेंगे या उसको बाहर से देखेंगे किसमें क्या नहीं है, जैसे उस एनिमल के अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस गड़बड़ हो गया, उसका कार्टिलेज और बोन ठीक से फॉर्म नहीं हुआ, तो मेरे को समझ आ रहा है कि ये वाला जो जीन था ये आपकी रीजनरेशन के प्रोसेस को, रिपेयर के प्रोसेस को, कार्टिलेज की डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा था. सो वी विल कम टू नो कि कौन सा जीन का क्या इफेक्ट है, तो ये हम स्टडी कर सकते हैं. नंबर टू, टू स्टडी वैक्सीन सेफ्टी. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू स्टडी द सेफ्टी ऑफ अ पर्टिकुलर वैक्सीन, से पोलियो वैक्सीन. थर्ड, टू अचीव डिजायर्ड प्रोडक्ट. ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जीन फॉर केजीन, है ना, केजीन प्रोटीन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन टू द cow and that is producing more of the milk with more amount of casein. आपनी मर्जी का जीन आपने वहाँ से प्रोड्यूस कर लिया. यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो रोजी काउ की, दे सकते हो एग्जाम्पल रोजी काउ कंटेन द जीन ऑफ जीन फॉर ह्यूमन लेक्ट एल्ब्यूमिन या जीन ऑफ ह्यूमन लेक्ट एल्ब्यूमिन, अ जीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन्स. नाउ दिस जीन प्रोड्यूस वॉट एल्ब्यू मोर ऑफ लेक्ट एल्ब्यूमिन इन द मिल्क. And that milk can be safely given to the human children because that contain the same protein as present in the human milk. So to achieve that, यहाँ पे आप alpha 1 antitrypsin की example भी ले सकते हो. A gene for alpha 1 antitrypsin to treat emphysema is introduced into the zygote of the transgenic animal, and the product is obtained in their milk. Now this product can be isolated from their milk and it's used to treat the emphysema. आप ये example भी दे सकते हो, दो भी दे देंगे तो चल जाएगा काम. ठीक है, fourth आप दे सकते हो to study toxins or drug safety, and fifth to study disease model, to study diseases. For example, we have made disease models for blood, for breast cancer, for Alzheimer, for phenylketonuria. So in coming times
द ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन प्रोवाइड अस अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोग्रेस प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज एंड ऑल्सो फॉर द ट्रीटमेंट. कल को हम उनके ट्रीटमेंट के लिए भी उनको यूज़ कर सकते हैं. सो वी विल हेल्प टू वी कैन गेट हेल्प फ्रॉम देम. तो ये हम यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं. तो आपने इन पॉइंट्स के अंदर एक एक दो दो की एक्सप्लेनेशन दे देनी है. अगर आप नहीं भी दे मतलब कोशिश करिए, खासकर डिजीज मॉडल की है और जैसे अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन वाले की है, IGF की एग्जांपल है, इसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लिख दीजिए. इसमें एक दो दो लाइन्स में चल जाएगा. बिकॉज अगर मैं 5 मार्क्स में लेती हूँ तो ये कम से कम 3 मार्क्स का होगा और ये नीचे वाला 2 मार्क्स का होगा. लिस्ट द एथिकल इश्यूज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. एथिकल इश्यूज क्या हैं इन मेकिंग ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. शुरू ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन से ही लेंगे जैसे बचपन में सिखाया जाता था. द वेरियस एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व आर, नंबर वन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर जस्ट रिड्यूस्ड टू लेबोरेटरी गिनी पिग्स. हमने उनको एक सिर्फ लेबोरेटरी के गिनी पिग्स बना दिया है. गिनी पिग्स मतलब यहाँ पे मैं किसी वो गिनी पिग वाले की नहीं बात करी, गिनी पिग्स का मतलब जिसके ऊपर हम सिंपली एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. नंबर टू, गिनी पिग्स. सो नंबर टू है मेकिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इट कैन लीड टू इवन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनिमल्स. ठीक है, आप इस लेबोरेटरी गिनी पिग्स की जगह आप एक और भी इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दे आर जस्ट रिड्यूस टू, हम ये भी कह सकते हैं फैक्ट्री स्टेटस, कि भी वो हमारे लिए सिर्फ फैक्ट्री का काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ टोटली अनएथिकल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स हो रही है. तीसरा, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हैं. एंड सबसे बड़ी बात, आप किसी और का जीन किसी और में डाल रहे हो, कल को कहीं ना कहीं तो जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी तो आप खराब कर रहे हो ना. सो एक्सप्लॉयटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी और क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ जेनेटिक पोल्यूशन, तो आप एक तरह से जेनेटिक पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हो. एंड चौथा, हमें ये नहीं पता कि इन एनिमल्स के अंदर जो हम जीन्स डाल रहे हैं कल को इनके क्या इफेक्ट होने वाले हैं इन फ्यूचर्स में, क्योंकि हर चीज़ फूड चेन फूड वेब से तो रिलेटेड है ही है. सो अनएक्सप्लेन्ड और अननोन इफेक्ट्स, अननोन इफेक्ट्स ड्यू टू अननोन इफेक्ट्स ऑन food chains or webs if these animals are set free in nature. हमें नहीं पता क्या है. और इट ऑल्सो वॉयलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीशीज इंटीग्रिटी. वॉयलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इंटीग्रिटी, भी हर स्पीशीज के जीन फिक्स्ड हैं तो हमने उसको भी क्या कर दिया है. ठीक है, हम बेनिफिट तो ले रहे हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं नेचर के साथ प्ले भी कर रहे हैं. सो वी नीड टू कीप इन दैट थिंग ऑल्सो इन माइंड. तो आप इनमें से कोई भी चार जो आपको बेटर लिखते हैं, फैक्ट्री स्टेटस वाला हम लिख सकते हैं और ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं. तो वट एवर यू फील लाइक यू कैन ऑलवेज एड इन इट. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे बेस्ट ऑफ लक. Stay tuned also. Best of luck for your exams. और मेरी कोशिश रहेगी कि एक पेपर हम और डाल सकें. Thank you.